Assalamualaikum beautiful people, welcome back to my another vlog. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज का जो vlog है ये travel vlog होने वाला है, ये हो सकता है funny भी हो और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को for sure। तो आज मैं जा रही हूँ, obviously मैं श्रीनगर ही जाती होती हूँ जब भी जाती हूँ कहीं, तो इंशाल्लाह कभी foreign जाऊँगी, किसी दूसरी country में जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी क्या है कि मैं जा रही हूँ श्रीनगर, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसा आपको पता है मैंने ये वाले अबाया लाए हुए हैं, तो मैंने यही पहना और ये बहुत सही लुक दे रहा है। आई शो यू, अगर आप लोगों ने नहीं मंगाए हैं तो जल्दी से ये मंगा लें। सी, ये है मेरा लुक। ओके, सो अभी जा रही हूँ मैं श्रीनगर और क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी रास्ते में चलते चलते। तो फिलहाल घर से निकलते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर से। So, मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से और आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट माय एरा। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आपको मिस हो जाती है, दूसरी गाड़ी आने में सदियाँ लग जाती हैं। सो आपको हमेशा यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए, इसलिए यहाँ आने की कोशिश भी आप नहीं करना। सो फाइनली आई रीच बारामूला और यहाँ पे पैसा निकालना है पैसा। तो अभी मैं एटीएम पे आई हुई हूँ, फिलहाल लाइन तो है नहीं बट अभी कोई है अंदर और अब जाता है अपन पैसा निकाल ले। तो पैसे निकाल लेती हूँ, उसके बाद श्रीनगर के लिए गाड़ी में चढ़ती हूँ और श्रीनगर जाती हूँ। गाइज इस सेकेंड डे और कल मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और कुछ था नहीं दिखाने को, सिर्फ ट्रैवल 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 और फिर मैं घर पहुंच गई थी। तो अभी क्या है कि मैं चल रही हूँ कॉलेज की और मुझे जाना है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। यानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कहाँ पर है, तो अमर सिंह तो सबको पता होगा अमर सिंह कहाँ पर है, तो उसी के साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, मुझे वहीं जाना है। मैंने एग्ज़ाम दिया था GCT गांदरबल के लिए और उसमें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखते हैं, आज काउंसलिंग है और देखते हैं सिलेक्शन होगी कि नहीं, क्या होगा आज पता चलेगा। तो बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी से कॉलेज, उसके बाद मिलते हैं। आई एम अबाउट टू रीच बट वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू इंडोर स्टेडियम, जहाँ पे कश्मीर के जो भी सपोर्ट्स प्लेयर हैं यानी जो भी सपोर्ट्स कैटेगरी के बच्चे हैं वो यहाँ पे, जो मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं और यहाँ पे ही उनके मैक्सिमम मैच वगैरह रहते हैं। मेरे भी रहे यहाँ पे बहुत सारे थंगता मैच। तो हम पहुँच गए क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मैं दिखाती हूँ आपको, दिस इज क्लस्टर यूनिवर्सिटी। ये अभी अंदर चलते, ये है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। सारी बिल्डिंग्स बहुत ही सही है, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम बहुत टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ भी वो क्या बोलते हैं इसको, कोई भी किरण नहीं दिख रही है रोशनी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे 200-300 से ज़्यादा ही बच्चे हैं
और सीट्स मैक्सिमम सिर्फ 6 हैं, कुछ मुझे नहीं लगता कि होगा, बट तो भी हम वेट कर रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा ही हो। अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे और मैं भी वेट ही कर रही हूँ। ऐसा हुआ कि जो कंप्यूटर जो सिविल के टॉपर्स थे उनको सिविल ब्रांच नहीं मिली, उनको और ब्रांच मिल रही है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं सिविल की हूँ और मैं अभी कंप्यूटर में चली जाऊँ या मैकेनिकल में चली जाऊँ, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं प्रेफर करूँगी कि अगर कोई और ब्रांच मिलती है तो मैं करूँ ही ना। तो देखते हैं क्या रहेगा। अभी अभी मेरा जो काउंट है उस हिसाब से अभी मेरी टर्न नहीं आई, तो जब आएगी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होगा। अभी अभी नहीं, जब निकलेगा आना तो होगा ना, मतलब कारगिल मत जाएगी। सो अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने फॉर्म भर लिया है, लेकिन अल्लाह ताला को पता है क्या होगा। इन्होंने बोला कि चलो अपनी अपनी प्रेफरेंस दे दो, किस किस ब्रांच में जाना है आपने। तो मैंने बड़े अक्षरों में वहाँ पे सिविल ही दिया है और बाकी दी हुई है बट सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस, तो आई डोंट थिंक सो कि होगा कुछ, बट होप फॉर द बेस्ट। ये क्या था, तो नजमा को हो जाना चाहिए। नजमा मेरी बहुत ही अच्छी लद्दाख की दोस्त है जो मेरे साथ चल रही है और इसके बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, बट इसको फ़ायदा है, इसको एसटी है, लद्दाख में एसटी होना बड़ी बात नहीं है। सो नजमा को एसटी है, तो होप्स हो कि इनको सिविल ही मिले और बहुत अच्छा हो इनका आगे। तो देखते हैं क्या रहेगा, कल परसों तक लिस्ट है कि फ़िलहाल हम लोग चले क्लस्टर यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाहर, तो हम बाहर चल के बात करते हैं।